हफ्ते 1 करोड़ तो वध डोज सप्लाई की जा सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि हर हफ्ते 1 करोड़ तो वध डोज सप्लाई की जा सकती है। एक डोज की कीमत 200 रुपए होगी। भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को कोविशील्ड वैक्सीन का ऑर्डर दिता है। हर हफ्ते 1 करोड़ तो वध डोज की सप्लाई की जा सकती है। कोरोना वैक्सीन के नाल जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट को भारत सरकार ने वैक्सीन का ऑर्डर दिता है। ₹200 एक डोज की कीमत होगी। सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है भारत सरकार के वालों कोविशील्ड वैक्सीन का ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दिता गया। हर हफ्ते 1 करोड़ तो बाद डोज सप्लाई की जाएगी। कोरोना वैक्सीन के नाल जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। दुनिया भर के वख-वख देशों के विच कोरोना वैक्सीन तो मुक्ति के लिए वैक्सीन बनाई जा रही ने। भारत के वालों सीरम इंस्टीट्यूट ऑर्डर दिता गया। कोविशील्ड बनाने लिए ₹200 एक डोज की कीमत होगी। हर हफ्ते 1 करोड़ तो वध डोज की सप्लाई की जा सकती है। 16 जनवरी तो दूजे पासे वैक्सीनेशन भी शुरू हो रहा है। ₹200 एक डोज की कीमत होगी। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को कोविशील्ड वैक्सीन का ऑर्डर दिता है। कहते हैं ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड लई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नू ऑर्डर दिता है। वैक्सीन दे एक डोज की कीमत ₹200 होगी। कोविशील्ड की हर हफ्ते 1 करोड़ तो ज्यादा डोज की सप्लाई की जा सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अधिकारियों के वालों यह जानकारी दी गई है। सरकार ने देश के विच वैक्सीन शुरू करने के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने 16 जनवरी की तरीक मिथी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 3 जनवरी को कोविशील्ड को अप्रूवल दिता सी। इसकी इफेक्टिवनेस को लेकर वख-वख गल्लां भी सामने आईया सी। एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन की ओवरऑल इफेक्टिवनेस 90% होने तक का दावा भी किया सी। हालांकि भारतीय रेगुलेटर का मानना है कि वैक्सीन सिर्फ 70% ही इफेक्टिव है।